7 6 5 4 3 2 1 Ready Steady Go! Happy go with the first ball for this mega final! Halki hatche is one ka Premier Patil Placement dikhate huye और इस वक्त यहाँ पर देखना होगा हवा में गेंद क्या जॉब हुआ है कमाल की फील्डिंग यहाँ पर हालांकि सोम्या को बदला गया है इस वक्त गेंदबाजी के लिए अर्नो को लाया गया है और अर्नो भी यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार 3 गेंदे 3 डॉट यहाँ से बड़े स्ट्रोक लगाएंगे सिंगल के लिए जाएंगे एक या दो चाहेंगे जरूर लेकिन फिर से एक बार अच्छा प्लेसमेंट नए पाटिल का यहाँ पर देखने मिलता हुआ युवा खिलाड़ी है मात्र 8 से 9 साल के हैं लेकिन वाइट बॉल अब यहाँ से प्लस हुआ है रन जरूर शुरुआत भी है रन की यहाँ पर फुटबॉल बॉल है फिर से एक बार बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जा रहे हैं प्रकाश सिंह और यहाँ पर देखना होगा सोमया ने पकड़ी है क्या मतलब मिली है विकेट रन कोई नहीं इस ओवर में और यहाँ पर 0 रन स्कोर कार्ड पर एक वाइट के रूप में डबल रन जरूर आया था लेकिन यहाँ पर विकेट आई है अब हाँ प्रणय अभी भी कोई कोशिश करेगी रन लेने की केवल आप प्लेसमेंट करते रहे राजू और जीतू बल्लेबाजी के लिए पहले ओवर में कोई रन नहीं यहाँ पर खेलते हुए सामने की तरफ खिलाड़ी है वहां पर अच्छा थ्रो जरूर था अक्षय का लेकिन एक छक्का यहाँ पर मिलता मेगा फाइनल के लिए मुकाबला यहाँ पर देखने मिलता हुआ सांगी टावर प्रीमियर लीग 2023 का ये अंतिम मुकाबला बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार हमारे अतिथि समाज के मौलिक चिरप्पा सर इनका धन्यवाद न्यू A1 मोटर्स का धन्यवाद जितनी पटेल और सारी की पटेल का धन्यवाद यशोदा इंटरप्राइजेस का बहुत बहुत धन्यवाद द वटिका हाउस का धन्यवाद और ट्रोई दूत फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने पहले बात हाथी किस गए हैं मैदान के बीच मान की पहले बाजी हाथी की भी मुकाबले में दी है और अब से थोड़ी सी दिक्कत में जरूर है टीम रॉयल चैलेंजर्स क्या यहाँ पर खिताब अपने नाम कर पाएंगे टाइटल विजेता उच्च टूर्नामेंट सबसे बात ही ट्रॉफी है अपने नाम कर पाएंगे लगातार यहाँ पर दो गेंदे दो भाई चलेगा भाई खेलन स्कोर कार्ड पर फुल टॉस गए हैं लेकिन यहाँ पर नहीं दे पाएंगे पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे बड़े स्ट्रोक में ऑन साइड में बहुत ही जल्दी बल्ले का फेस क्लोज किया गया उनकी तरफ से और एक कलर मिलता हुआ स्कोर कार्ड पर संख्या 7
ये गेंद बल्लेबाजी के लिए दिनेश शेट्टी तो कहाँ है और छोटे छोटे बच्चों पर उन्होंने दिल जीता है इस प्रकार से बच्चे उन्हीं के नाम का यहाँ पर जयघोष करते हुए हार्दिक तैयार बल्लेबाजी के लिए गेंदबाजी के लिए सब खेतन आए हैं दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है दो ओवर के बाद जनसंख्या तो कार पर बेहतर गेंद यहाँ पर केतन की तरफ से जाके रहो का आदेश इस गेंद पर दिया है सात रन तो कार पर दो विकेट के बाद ये बाहर गया बाहर ऊपर की तरफ यहाँ पर एक गेंद का निश्चित कोशिश और तीन रन मिलता हुआ आठ रन तो कार पर और मौका नहीं दिया यहाँ पर हाथ खोलने का और डॉट गेंद के साथ किया है बाहर थी गेंद अच्छा लगा था वो सरप्राइज दिखाते हुए बल्लेबाज की कितने तैयार दो ओवर गेंद परिवर्तन पूरी तरह से मिस किया और अच्छी फील्डिंग वहां पर अच्छा थ्रो और लगा इस ओवर की चेतन की ये तीसरी विनती गेंद तीसरा डॉट बॉल यहां पर आता हुआ ओवर नंबर थ्री यहां पर शुरू हुए इसके बाद डबल डबल का ओवर भी यहां पर बाकी है ये बहुत बाहर गए हैं वाइट बॉल यहां पर अच्छा नहीं करता नौ रन तो कार्ड पर नौ रन अपना बच चुके स्कोर कार्ड पर डबल फिगर में टेंथ रन स्कोर कार्ड पर है माफ कीजिएगा किधर दिया फुल टॉस बॉल है निकाली पीछे पर हवा में गेंद है फिर शक्ति रहेंगे असाइनमेंट पर क्या यहाँ से हाँ मोबाइल सफर करेंगे यहाँ पर बच्चे लोगों ने उल्टा गेंद को देखा है के ऊपर खेलने के लिए शानदार छक्का आता हुआ पांचवी गेंद पर टोटल उन्हें नई मंजिल मिलती दोस्तों जिनके जो किस्मत के सहारे बैठे हुए हैं वो जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं यहाँ पर हिम्मत दिखाना पड़ेगा बल्लेबाजों को क्षमता भी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर अच्छा अच्छी फील्डिंग यहाँ पर सिंगल रन यहाँ पर जरूर मिलेगा और अब बेस्ट वर्सेस बेस्ट मैच यहाँ पर आमने सामने दो बार राणा दमाज जीते हैं इस वक्त इस टूर्नामेंट में दिनेश शेट्टी दो बार राणा दमाज अपने नाम किया है अक्षय शर्मा ने भी तो ये बैटल बहुत जबरदस्त रहेगा अक्षय शर्मा बनाम दिनेश शेट्टी बेस्ट वर्सेस बेस्ट और यहाँ पर प्रहार किया है जरूर लेकिन धरने की गुंजाइश नहीं एक और डॉट बॉल यहाँ पर अक्षय शर्मा की लेकिन क्या पलट बार यहाँ से दिनेश शेट्टी का देखने मिलेगा हाथ
हार्दिक के लिए बड़े के लिए धक्के ले जाएंगे। किरण को टायर पर बने हैं, जाते हैं यहाँ पर थोड़े से खामोश जरूर है तीन के लगाउट में। ये कहते ना हर रोता हुआ मुस्कुरा, हर रोता हुआ चेहरा मुस्कुराएगा, हर रोता हुआ मुस्कुरा चेहरा मुस्कुराएगा जब विजय शेट्टी मैदान के बीच आएगा। आप एक फिर से तैयार साइड पर बड़े स्टोक की तलाश है डबल ट्रबल की ओवर में। बल्लेबाज यहाँ पर आउट होते हुए हार्दिक को यहाँ पर जाना पड़ेगा डगआउट में। अब कटौती लगाई जाएगी और 19 रन अब स्कोर कार्ड पर। चार ओवर की समाप्ति के बाद ये मेगा फाइनल का अंतिम मुकाबला चलता हुआ। अंतिम और आखिरी गेंद इस ओवर की 19 रन स्कोर कार्ड पर। सिक्सर आएगा तो एक अच्छा मैच बनेगा यहाँ से। और यहाँ पर नो गेंद है, मतलब एक्स्ट्रा रन मिलेगा यहाँ से। फिर एक बार अपने पास यार अच्छी पर गए हैं, कोशिश नहीं यहाँ पर और डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई और रन संख्या 21 चार ओवर की समाप्ति के बाद। दोस्तों अगर मस्ती नहीं तो कॉलेज पूरी तरह से बेकार है, अगर मस्ती नहीं तो कॉलेज बेकार है, उधर में अगर कॉपी नहीं तो शायद पूरी तरह से और कॉपी पूरी तरह से बेकार है। इसी प्रकार से क्रिकेट के खेल में अगर यहाँ पर नहीं चले कॉलेज चले टीम के लिए तो पूरा क्रिकेट बेकार है। आपको नहीं बोलना है तो आप पास नो बॉल जरूर देंगे। यहाँ पर बहुत बाहर की गेंद थी, बहुत बाहर की गेंद है, बाहर बॉल लगाते हुए यहाँ पर। शाबाश शाबाश, पकड़ पकड़ पकड़। नो बॉल जरूर रहेगा, ये बहुत ऊपर थी ये गेंद। एक सिंगल रन यहाँ पर मिलेगा, दबाव है थोड़ा सा, युवा गेंद पास है और उनके सामने मीरा भाई ने के बेस्ट खिलाड़ी के में बेशुमार होने वाले खिलाड़ी विनय शेट्टी हैं। मिट्टी का क्रिकेट हो या फिर अंतर क्रिकेट हो, इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है विनय शेट्टी ने और इस टूर्नामेंट में भी एक अलग छाप छोड़ी है। की टीम यहाँ पर पूरी खुश होती हुई, सभी दर्शक भी बहुत एंजॉय करते हुए और 35 स्कोर कार्ड पर रन बने हैं।
35 स्कोर कार्ड पर प्रणय आए हैं नए बल्लेबाज। उम्मीद रही कि यहां से प्रणय सिक्सर लगाएंगे अपनी टीम के लिए और एक मजबूत स्थिति में अपनी टीम को ले जा पाएंगे। लेट्स सी, यहां पर अच्छी गेंद है और एक मात्र सिंगल रन यहां पर मिलता हुआ और 36 रन के कार्ड पर बने हैं और लक्ष्य यहां पर रहेगा 37 रनों का जीत के लिए टीम डेड डेविल्स के लिए 5 ओवर में। सांगवी टावर्स में आज कौन सी टीम रहेगी जो चैंपियन का खिताब लेकर जाएगी। लक्ष्य मुकाबला अभी तक फिनिश नहीं हुआ है दोस्तों, मुकाबला अभी भी बाकी है। इंडिया बनाम बांग्लादेश का वो मुकाबला दोस्तों कोई नहीं भूल, यहाँ पर 108 रन पर इंडिया को बांग्लादेश ने खोला था लेकिन 90 रनों के अंदर बांग्लादेश को पूरी तरह से खोल दिया था भारत की टीम ने। जितने लो स्कोर मैचेस होते हैं उतने ही टफ फाइट मुकाबले होते हैं। आराम से खेलने बोल रहे हैं लोगों और हमारे दोस्तों बीच मीना भाईंदर के टॉप क्रिकेट के सिक्सर के शहनशाह बादशाह प्लेयर यतिराज देवडू के यहाँ पर आगमन हुआ है। हार्दिक हार्दिक स्वागत है उनका दोस्तों। वैसे नहीं वैसे कोई भी सेशन नहीं होगा, वैटरना हो, चपाला हो, केलवे हो, उमरोली हो, पालघर हो, वनकार हो या फिर बोईसर हो या फिर दहानू हो या फिर मिरार हो, नाला सोपार हो, वसई हो, नायगांव हो, भाईंदर हो, तो मिरारण हो, दहीसर हो, गांधीवली हो, बोरीवली हो, तो या फिर मलान हो, गोरेगा हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर यतिराज देवडू ने ना खेला हो। कमाल के खिलाड़ी हैं, केवल और केवल मुंबई में ना हो, महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी जाके उन्होंने जलवे बिखेरे हैं और आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित होते हुए यतिराज देवडू के हार्दिक हार्दिक उनका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। सिखा रहे हैं टेनिस क्रिकेट के यतिराज देवडू के गेंदबाजी के लिए इस वक्त प्रणव पाटिल आए हैं। खिलाड़ी ने प्रभावित किया है, दोनों ही गेंद डालते हैं, मात्र 9 से 10 साल की उम्र के हैं, ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक दोनों ही गेंदें डालते हैं, बीच बीच में एक हाथ तो कैरम बॉल भी फेंकते हैं। लेट्स सी उनके सामने अब प्रेमिया रहेंगे साइड पर ऑफ पर रन थोड़े से कम बने हैं लेकिन मुकाबले में अभी भी याद है, मुकाबले में भी मजा है। अरे बच्चे को सब समझा रहे और एक चक्कर दिए और एक चक्का, पिछले मुकाबले में भी 2 सिक्स लगाए थे सोम्या ने और उसके बाद यहां पर सिक्स लगाने के बाकी नाम के दो बार के बीच में बने दो बार गेंद यहां पर सामने की तरफ खेलते हुए सिंगल के लिए गए हैं और लेट्स सी सिंगल अप होगा अंपायर का क्योंकि बहुत दूर थे, फ्रेम में भी नजर नहीं आए और -2 होगा मतलब 2 गेंदे 4 रन। टेंथ रन स्कोर कार्ड पर डबल ट्रबल है, पहले गेंद पर सिक्सर उसके बाद एक विकेट। सामने चलने नहीं दिया है, फतेह आदिल की भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त पिटाई करते हुए दोनों बल्लेबाज लेकिन युवा बल्लेबाज है, आप गेंदबाज हैं, आपका विश्वास जरूर इतना बढ़ेगा क्योंकि बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट करते हैं और कपड़े कैसे दोनों बहुत अच्छा कराते हैं।
अभी ये बहुत मंदिर पार करनी है, बहुत गलती भी चढ़ना है। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर देखना मिला है, गिर रहा है यहाँ पर बल्लेबाज आउट, दूसरा विकेट मिला है यहाँ पर। भारतीय और आठ गेंद यहाँ पर, क्या अंदर की तरफ आएगी या फिर बाहर की तरफ, चलिए बाहर की तरफ गेंद है पकड़ा यहाँ पर, लेकिन इसी में मिलता हुआ एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है। और एक ओवर के बाद थर्टी फोर रन पहले ओवर के साथ आए हैं, छह रन चाहिए अब जीत की गई इस मुकाबले में। चौबीस गेंदों पर सात रन पहले के, सात रन जो पहले के थे वो प्लस किए गए थर्टी फोर स्कोर पर। और शानदार यहाँ पर जीत के प्रकार पर छह रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। जीतू गेंद मार सके छह रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। सीनियर लीग में भी उनके नाम किताब नहीं लेगा, लेकिन कभी नहीं।